गाइस रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको जो ये फॉर्मूले मैंने दिए हैं इसको आपका यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो VS और VF इसका क्या मतलब होता है यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ जो VS होता है ये सप्लाई वोल्टेज होता है, जितना वोल्टेज आप LED लाइट को दे रहे हैं, और LED फॉरवर्ड वोल्टेज जिसको VF कहते हैं, मतलब LED लाइट कितना वोल्टेज ले रही है, और LED फॉरवर्ड करंट होता है जिसको IF कहते हैं, आपकी LED कितने एम्पियर की है, ये सब चीज़ आपको LED लाइट के जो डाटा शीट आती है उस पर आपको पता चल जाएगा। बाकी चीज़ मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइज चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं आपको पहले वोल्टेज चेक करा देता हूँ जो कि 9.11 वोल्टेज है। यहाँ मैं फटाफट आपको एम्पियर चेक करके दिखा देता हूँ। तो गाइज इसको मैंने एम्पियर पर सेट कर लिया और मैं आपको एम्पियर दिखा देता हूँ। तो गाइज ये 1 एम्पियर के आसपास है जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो 5 mm की LED है, तो यहाँ रेड कलर की LED मैं यूज़ कर रहा हूँ। और गाइज ये जो अलग अलग कलर पे ना LED का कलर वोल्टेज चेंज हो जाता है, तो आप थोड़ा देख सकते हैं उसके डाटा शीट पर जाके। बाकी मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जो जैसे है। और साइड में यहाँ पर आपको मैं फॉर्मूला भी शो करा दे रहा हूँ जो जैसे होगा। यहाँ पे आपको जो जितने सप्लाई वोल्टेज उसमें से आपको LED जितना वोल्टेज लेती है उतना माइनस करना उससे, और जितना एम्पियर लेती है उससे डिवाइड कर देना आपको। तो गाइस ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी है, अगर आपने मिस कर दी तो जाके फिर से देख लीजिए। और 325 मेरी रेटिंग आ चुकी है, तो मैं यहाँ में 330 ओम का यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि जब भी आप यूज़ करिए तो आप ज़्यादा का यूज़ करिए, कम आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा, कुछ टाइम बाद वो ख़राब भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए बिल्कुल लाइट अच्छे से जल रही है। आपको ध्यान रखना 325 मेरा रीडिंग आता बट मैंने 330 का यूज़ किया है, तो हो सके अगर आपको ज़्यादा मिला तो आप ज़्यादा का इस्तेमाल करिए, कम का इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। वो मैं आपको वीडियो के बीच में दिखा भी दूंगा कि अगर आप कम यूज़ करते हैं उसको क्या दिक्कत आती है, क्या जैसे जो भी होता है। यहाँ मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये शक ना हो कि मैंने इसमें वोल्टेज कम कर दिया या फिर कुछ ऐसा वैसा चीज़। यहाँ मैं आपको एम्पीयर भी मैंने चेक करा दिया, वोल्टेज भी चेक करा दिया। और चलिए मैं दिखाता हूँ अगर आप बिना रजिस्टर के यूज़ करते हैं तो क्या होता है इसमें। यहाँ देखिए मैंने आपको पहले वोल्टेज चेक करा दिया पहले ही, अब मैं इसे रजिस्टर मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है, अब मैं डायरेक्ट इसको चला रहा हूँ। अब देखिए लाइट बिल्कुल जली भी नहीं, और रुकिए मैं आपको मैं वीडियो में दिखा भी देता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये ख़राब लाइट लगाई है ऐसा कुछ भी। तो मैं दोबारा आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, और मैं आपको रजिस्टर साथ ही लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये लाइट ख़राब हो गई है। तो मैं रजिस्टर आपको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और फिर से आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लगाए तो अब ये बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो गाइस ये ख़राब हो चुका है। मैं आप वोल्टेज देखिए बिल्कुल वोल्टेज अभी सही आ रहा है, 9 वोल्ट के आसपास वोल्टेज अभी आ रहा है, और वोल्टेज आ रहा है बट लाइट ख़राब हो गई है। तो गाइस देखिए अब मैं आपको फिर से नेक्स्ट आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। 12 वोल्ट मैंने सेट कर दिया था इसको, अभी 12 वोल्ट का इनपुट है आ रहा है जो भी। और यहाँ मैं आपको एम्पियर का दिखाता हूँ अब। तो गाइस मैंने वैसे इसको डिफ़ॉल्ट पे 1 एम्पियर पर सेट करके रखा है ताकि लाइट ख़राब ना हो। इस बार मैं ग्रीन कलर की लाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ मैं आपको उसको फिर से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बार बार बताया भी है, तो आप वो जाके फिर से देख लीजिए, बार बार बताने कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ मैं आपको देखिए 470 ओम का यूज़ कर रहा हूँ, रेडिंग 475 की आई है बट मैंने 470 का इसे इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा का करिए, उसके चक्कर मत पड़िए, कम है तो हो जाएगा काम, वो चलेगा बट गाइस लेकिन कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से चल जाता है, बट गाइस क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा ये। तो मैंने वीडियो में दिखाने के लिए आपको चला दिया है, बट आप इसको लॉन्ग लास्टिंग अगर चलाना चाहते हैं तो आप इसको जरूर यूज़ करिए, ज़्यादा का यूज़ करिए आप। यहाँ मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ, 12 पॉइंट कुछ आ रहा है। चलिए गाइस मैं अब नेक्स्ट कंपैरिजन करता हूँ जो 24 वोल्ट पे है। यहाँ वोल्टेज देख लीजिए, 24 वोल्ट मैंने सेट कर दिया है। अब मैं आपको LED टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ गाइस मैं आपको कैलकुलेशन फिर से बता देता हूँ, जितना वोल्टेज आ रहा है और जितना आपकी LED वोल्टेज ले रही है उसमें से माइनस करके, और जितना एम्पीयर आपकी LED लेती है उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए 1075 रेटिंग आ गई है, बट गाइस इतना मेरे पास नहीं है इतनी वैल्यू का, तो यहाँ मैं 1K का यूज़ कर रहा हूँ, बट आप इससे ज़्यादा का यूज़ करिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो, क्योंकि 1K रहेगा तो फिर गाइस कुछ टाइम बाद ख़राब भी हो सकता है, इसका चांस ज़्यादा रहता है। बट मैं आपको यहाँ टेस्ट करके दिखा देता हूँ पहले 1K से। तो यहाँ मैंने इसके साथ LED लाइट के साथ जो भी कनेक्शन इसका करना था मैंने कर दिया है, अब मैं इसको दोनों टर्मिनल को लगा देता हूँ उसके साथ पे। तो गाइस देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रहा है बिल्कुल। अब मैं आपको उसका वोल्टेज दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा कुछ ना लगे कि ये वीडियो फेक या कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि वीडियो फेक है या ये सब चीज़। देखिए गाइस 24 वोल्ट इसमें आ रहा है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट 220 वोल्ट AC से इसको चला रहा हूँ। यहाँ पे आप वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, 228-229 के आसपास आ रहा है। तो गाइस AC वोल्टेज में आपको बहुत एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो आपके वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा, अभी आप वेट करिए। यहाँ मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम वही है, जितना वोल्टेज आ रहा है जितना वोल्टेज आपकी LED लेती है उसमें से माइनस करके जितना एम्पीयर आपकी LED लेती है उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ 11,775 आ रहा है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसमें, मैं यहाँ पे 33K और इसके साथ में ये डायोड भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको अगर बताऊंगा अगर डायोड आप नहीं यूज़ करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो डायोड का वाइट वाला हिस्सा है उसको बाहर की तरफ रखना है, और दूसरे लेग पे आपको रजिस्टर को जोड़ देना है। तो यहाँ मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखा देता हूँ, अगर मैंने पहली बार नहीं जोड़ा था तो देखिए क्या इसका हाल हुआ। तो चलिए गाइस मैं इसको ऑन कर देता हूँ, और सॉरी गाइस मजाक कर रहा था मैं,
तो यहाँ पे गाइज ये बिल्कुल देखिए अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो गाइज आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो ज़्यादातर वैल्यूज़ यूज़ होती हैं रेजिस्टेंस की वो मैंने दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर लीजिए।